सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। हेडकांस्टेबल रामदास प्रजापति बोल रहे हैं सर। बात करना चाहें तो सर अगर हो जाए तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। बताइए क्या काम है सर काम क्या, परसों की बात है सर, लड़का मेरा गया था, सुबह 6 बजे जाता है दौड़ में सर, हाईवे पे निकलता है तो ये जो है बजरंग के गुर्गे सर उसको खेद लिए, मारे मारने को दौड़े ईंटा पत्थर लेके, तो दौड़ के भाग के घर में घुस गया। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया तो सर कह रहा है कि मैं पुलिस भेज रहा हूँ सर। 1.5 घंटे बाद 112 गई तो बजरंगी सिंह के ऑफिस पे खड़ी रही। अब वो कह रहा था, बजरंगी सिंह के गुर्गे कह रहे थे, वही गाली दे रहे थे कि ये साहब मेरी गत है, मैं बंगाल से यहाँ आया हूँ चुनाव कराया गया तो क्वारंटीन हूँ सर, 11 में औरत बीमार थी ही, आपको पता ही है सरकार। आपकी पत्नी की तबीयत अभी कैसी है? अब सर ठीक है, आपकी दुआ से सर अब ठीक है। और सर एक चीज हम आपसे बता दें कि मैंने आपसे पेश होकर भी कहा कि मेरे औरत की बेइज्जती हुई है, मेरे मुझे मारा गया, मेरे बच्चों को मारा गया, पांचों लोग पिटे, सिर्फ लड़की बची जो अंदर रही बस सर। अब इतने पे अगर आप कहें कि समझौता कर ले तो चाहे सर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे जाना पड़े लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इस बंदे को, क्योंकि इससे कोई बोलता नहीं, जिस जो बोला उसको इसने दबा दिया धर के, क्योंकि पुलिस लोकल से मिला रहता पैसा देता रहता है। सरकार मैं आपसे क्लियर कर दे रहा हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक मुझे जाना पड़े लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसके बीच में अगर पुलिस आती है तो सर हम पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं करूंगा, चाहे दुनिया चाहे कुछ की हो, पुलिस मैं पैर छू लूंगा, वो मेरे पैर छू लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर इस बंदे को मैं नहीं रहने दूंगा, जितना सुकून से ये बता रहा, इंस्पेक्टर साहब बता रहे, डीजीपी डीसीपी साहब बता रहे या एसीपी एडिशनल साहब बता रहे, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं सर, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। मुझे मेरी औरत की बेइज्जती की है सर। अगर उस जगह पे कोई परिवार अपना परिवार देख ले धर के तो उस पर क्या बीतेगी वो जाने, और मैं आंसू बजरंगी सिंह है ना, चलो मैं देख पाता हूँ सर। बजरंगी सिंह और महेंद्र सिंह सुनील जब से आए हैं तब से फिर शुरू बवाल हो गया, वही गुर्गे हैं, वही अर्जन एक्ट लगवाते हैं, उन्हीं को भेजा है, एनसीआर मेरे लड़के के खिलाफ की गई। और मैं लगातार फोन करता रहा सर, मैं विभाग का हूँ, सुन लीजिए मेरे बच्चों को भविष्य मत खराब करिए, और एनसीआर मेरे लड़के के खिलाफ कर दी। और सुनील कह रहे थे कि अब बताऊंगा मैं कैसे होता है, ये दशा है मेरी। और मैं सर आपसे विनती करता हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आप मेरे अधिकारी हैं, सुलझे हुए अधिकारी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं सर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा इसको। इसको साहब इसने बहुत सताया पूरे गांव में, आप आके एक बार मौका देख लीजिए कि प्रजापति कहीं जमीन कब्जा किए हों या प्रजापति के बच्चे खराब हों, कोई औरत का करेक्टर खराब हो, लड़की का हो। मेरी 3 लड़कियां थी, 2 की शादी कर दी और दोनों एमए करके गई सर, और मेरा बड़ा वाला लड़का अल्लाह कर रहा है, ये बीसीए कर रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और सर मेरे छोटी वाली बच्ची बच्ची उसकी शादी करना मुझे, और मैं एक हेड कांस्टेबल हूँ, आपका कर्मचारी हूँ, आप लोग नहीं सुन रहे मेरी। मैं आपसे फिर दोहरा कह दे रहा हूँ, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मिट जाऊं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरी औरत की बेइज्जती की है सर, औरत औरत होती है, अगर मर्द रक्षा नहीं कर पाए तो मर्द नहीं है, चाहे दुनिया में कहीं न्याय मिले मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा इस चीज के लिए। जो पुलिस ये धरना बनाए बैठी है कि आज नहीं कल समझौता हो जाए मैं मकान छोड़ जाऊंगा, 2 महीने के बाद मैं मकान छोड़ जाऊंगा सर, और लिख के दे दूंगा कि पुलिस वालों ने खाली कराया ये मकान मिलके अपराधियों से। ये मैं वादा करता हूँ, गवर्नमेंट भी चेंज होगी सर, मेरी भी सुनाई होगी, मैं सत्यता से हटके नहीं जाऊंगा कहीं, चाहे मर जाऊं। ये सर मैं किसी के साथ अन्याय किया हूं तो बता दे और फांसी चढ़ा दे मुझे, किसी बच्चे के साथ, मेरे बच्चे किसी के साथ किए हों, किसी घर के सामने खड़े होते हों तो आप बता दीजिए, मैं फांसी चढ़ा दूंगा साले लड़कों को। लेकिन सर ये बर्दाश्त नहीं कि मैंने अपनी औरत की रक्षा नहीं कर पाई इज्जत की, और इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा सर। ये आंसू आंसू दिल से निकल रहे सर, मैं आपसे सत्य बता।